आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि गलत रियाज और सही रियाज, आपके गले को अगर कष्ट पड़ रहा है तो वो रियाज गलत है। नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। गलत रियाज को कैसे सुधारें या फिर आवाज का टेक्सचर कैसे सुधारें, दोनों भी एक ही है। सबसे पहले गलत रियाज करना क्यों है तो बोलेंगे, सर हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, हमारे गांव में कोई सिखाने वाले नहीं है, और सिखाने वाले फिर बहुत उसको फीस लेते हैं तो हम सीख नहीं पाते, हमारे पोजीशन नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आप स्वर स्वामी की वीडियो फॉलो करो, नहीं समझे बार बार देखो, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपके काम का। गलत रियाज क्यों करना है, सबसे पहले से रियाज करना है कि नहीं करना है, तो रियाज तो करना है। आप जिस चीज़ को रियाज समझते हो वो रियाज है ही नहीं, आप प्रैक्टिस करते हो, आप गाने गाते हो, गाने मैं भी गाता हूँ, वो गाने को बार बार करते हो, 3 मिनट का गाना बार बार 3 मिनट का बोलते हो, उसको रियाज नहीं कहेंगे। 3 मिनट का गाना अगर 30 मिनट का कर रहे हो तो रियाज के अंदर वो टर्न होता है। अब वो सब करने के लिए आपके दिमाग में नए नए पैटर्न्स भी आने चाहिए। पैटर्न जो आएंगे वो रियाज करने पर ही आएंगे, वो अभ्यास करने पर ही आएंगे। प्रैक्टिस करके 3 मिनट का गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अब ये इसको तो मैं जिंदगी का साथ, ये कोई जरूरत नहीं वहां पर। तो रियाज उस चीज की करना है जो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ के निकालना पड़े और उसको लोगों को भी उसकी तकलीफ ना हो। गलत रियाज मतलब क्या कि आपका कंठ अगर वो चीज को न्याय नहीं दे पा रहा, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तुम सारे गम को सारे गम ही बोलने वाले हो, कोई पापा बाबा नहीं बोलने वाला है, चाहे चाले मतलब चाहे काली 4 में हो चाहे 2 में हो, सारे गम कोई भी स्केल में बोलो, सारे गम ही है। तो सुर तो गलत नहीं करेंगे लेकिन पदा नहीं सा रे गा मा पदा नहीं सा, कौन सा पकड़ा है, सारे गा मा पदा नहीं सा, ये गलत है। तो सारे गा मा पदा नहीं सा रे गा मा पदा नहीं सा, कोई भी स्केल में बोलो आप उसको प्रॉपर वे से बोलो, कंठ से आवाज की निर्मिति होती है, उसका प्रोजेक्शन कहाँ से करना है ये सही मायने में आपको समझ के लगाना पड़ेगा, जो आपके कंठ को भी प्रेशराइज ना करे और लोगों के कान भी खराब ना करे। एक प्रॉपर वेटेज उसको लगना चाहिए, जो सुर हल्के भी नहीं लगना चाहिए और कष्टप्रद भी नहीं लगना चाहिए। तो गलत रियाज मतलब खर्च का ज्यादा प्रयोग, किसी भी चीज का ज्यादा प्रयोग, तार सप्तक का ज्यादा प्रयोग, गलत सुर सुधारे जा सकते हैं। पनी धसा, ये गलत सुर है, पनी धसा नी सही सुर है, पनी धसा सही सुर है, सा नी ध प सही सुर है, सा नी प ध गलत सुर है, सा नी प ये गलत है, प ध इसको सुधारा जा सकता है। पर एक बार गलत आवाज का टेक्सचर बन गया तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस टाइम आवाज लगाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए सर, तो पहले तुम देखो किसी चीज को, ऐसे देखो कि क्या ये क्या है, इसमें पेपर में जैसे ना एग्जाम के अंदर आगे बढ़ो और देखते अरे वाह वाह क्या है, लिखना चालू करते, ऐसा नहीं होता। उसको देखो
उसको समझो, उसको विजुलाइज करो। जो आपने कल पढ़ा है, पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो बाजू का पूरा माहौल क्या था, वो भी विजुलाइज होता ही है। आपने जो पढ़ा है वो चीज़ आपके जहन में रिकलेक्ट करना है, उसको समझना है कि यहाँ पे उसको कैसे लिखना है, क्योंकि आपके पास में समय कम बचा है। पेपर तो डिटेलिंग करना है, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सब चीज़ आपको करना है। आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि गलत रियाज और सही रियाज, आपके गले को अगर कष्ट पड़ रहा है तो वो रियाज गलत है, आपका गला सहजता से चल रहा है तो वो सही तरीके की रियाज है। अब सही तरीके की रियाज कौन सी है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही सवाल आ गया कि प्रातः काल में उस आवाज़ को औरों ही तरीके से लगाने से आपको गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो करना क्या है कि सारे गम का जो शास्त्र है वो ब्रेन का काम है, लेकिन गला सही तरीके से गाने के काबिल बनाना ये आपके समझदारी का काम है कि किस तरीके से उसको रखा जाए।